टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन इट्स बेस ए बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स. कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी गिवन बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. यहाँ पर एक मुसल्लस बनाना है जिसका एक ज़िला 5 समर है और दोनों ज़िलों का मजमुआ 8 समर है और जाविये बी 60 दर्जे है. इस तरह का यहाँ पर सवाल दिया गया है. चलिए अब हम बनावट देखते हैं. यहाँ पर हमने एक कच्चा खाका ए बी सी मुसल्लस उतारा है जिसका एंगल बी 60 डिग्री है और साइड बी सी 5 सेंटीमीटर है. तो चलिए अब हम स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेते हैं. इस तरीके से बेस खायदा हमने स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर लिया है. पी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पर स्केल की मदद से हमने लिया है. इस तरीके से बी सी इसका नाम दिया है, ये है 5 सेंटीमीटर. अब हम नुक्ते बी पर यानी पॉइंट बी पर हम चांदे की मदद से 60 दर्जे का जाविया बनाएंगे. इस तरीके से हम यहाँ पर ज़ीरो को सेट करते हैं चांदे के बी सी खत पर, बी सी लाइन पर इस तरह सेट करना होगा और बी पर हमको जाविया 60 दर्जे बनाना होगा जैसा कि सवाल में कहा गया है. एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पर सी बी एक्स यानी पी एंगल देखिए 60 यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक हमको नुक्ता लगाना होगा, पॉइंट आउट करना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट लेना होगा. इस तरीके से यहाँ पर हमने नुक्ते बी पर 60 दर्जे का जाविया यहाँ पर हम तश्कील दे रहे हैं चांदी की मदद से. एक नुक्ता लगाकर हमको यहाँ पर एक शुआ खींचना होगा जिसका नाम देंगे हम बी एक्स शुआ. ये इस तरीके से 60 दर्जे पर यहाँ पर एक नुक्ता लगाया गया. अब इस नुक्ते को हम स्केल की मदद से नुक्ते बी से मिलाएंगे. अब हम स्केल की मदद से यहाँ पर बी नुक्ते बी को मिलाएंगे. ये है बी एक्स शुआ, इस खत का नाम हमने दिया है, ये है बी एक्स शुआ जो कि नुक्ते बी पर 60 दर्जे का जाविया बनाती है. नुक्ते बी पर 60 दर्जे का जाविया बनाती है, ये है शुआ बी एक्स शुआ जिसको हमने चांदे की मदद से यहाँ पर नुक्ते बी पर जाविया 60 दर्जे हासिल किया है. ये है बी सी 5 सेंटीमीटर और जाविया बी 60 दर्जे. अब हम स्केल में जैसा कि ए बी प्लस ए सी 8 सेंटीमीटर दिया गया है, अब हम यहाँ पर इस तरीके से 8 सेंटीमीटर लेते हैं स्केल में. प्रकार की मदद से प्रोट्रैक्टर की मदद से हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लेते हैं और बी एक्स शुआ को हम यहाँ पर एक आर्क की मदद से एक खौस की मदद से ख़ता करते हैं नुक्ते बी को मरकज मानकर. यहाँ ए बी प्लस ए सी 8 सेंटीमीटर दिया गया था इसलिए नुक्ते बी को मरकज मानकर हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेकर अब हम बी एक्स शुआ को ख़ता करेंगे जो नुक्ते डी पर ख़ता करती है. इस तरीके से बी एक्स शुआ को नुक्ते डी पर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी से ख़ता किया गया. अब हम नुक्ते डी से सी को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, फिर इसके बाद हम सी डी ज़िले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे यानी उमूदी नासिब खींचेंगे सी डी ज़िले का. इस तरह से हमने डी से सी को यहाँ पर मिलाया है. अब हम इस सी डी ज़िले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी उमूदी नासिब भी हमको खींचना है. ये हमने नुक्ते डी से नुक्ते सी को मिलाया है सी डी यहाँ पर. अब हम सी डी ज़िले का यहाँ पर उमूदी नासिब खींचेंगे सी को मरकज़ मानकर. प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर सी डी ज़िले की आधे से ज़्यादा दूरी लेकर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर सी डी का सी को मरकज़ मानकर हम एक खौस बाईं जानिब और दाईं जानिब यहाँ पर खींचेंगे
नुक्ते सी को मरकज़ मानकर परकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इस तरह से हम यहाँ पर एक खौस खींचेंगे। और एक खौस बी डी खत की इस जानिब खींचेंगे, यहाँ पर नुक्ते सी को मरकज़ मानकर आधे से ज़्यादा दूरी परकार में लेकर हम एक खौस। अब हम नुक्ते डी को मरकज़ मानकर पहले से मौजूद दोनों खौसों को ख़ता करेंगे। इस तरह से यहाँ पर ख़ता किया गया और यहाँ पर इस खौस को यहाँ पर ख़ता करना होगा। ये यहाँ पर दोनों खौसों को ख़ता किया गया। इस तरीके से हमको अब सी डी ज़िले का उमूदी नासिब हासिल हो रहा है। अब इन दो नुखात को मिलाने पर हमको सी डी ज़िले का उमूदी नासिब हासिल होता है। इन दो नुखात को मिलाने पर सी डी ज़िले का उमूदी नासिब हासिल होता है जो बी डी ज़िले को नुक्ते ए पर ख़ता करता है। इस तरीके से अब हम स्केल की मदद से इन दो नुखात को मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इन दो नुखात को एक ग्रीन कलर लाइन से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ये नुक्ते ए पर बी डी खत को ख़ता करता है, यानी बी डी जो ज़िला है उसको नुक्ते ए पर ख़ता करता है। अब हम ए से सी को मिलाएंगे। इस तरह से ए से सी को अब हम नेक्स्ट स्टेप में ए से सी को स्केल की मदद से मिलाएंगे। ये होगा हमारा मुसलिस ए बी सी, जिसका कायदा होगा 5 समर और ए बी प्लस ए सी दोनों को मिलाने पर वो होगा 8 समर। अब हम एक पिंक कलर से हम ए से सी को यहाँ पर मिलाते हैं। इस तरह से ए बी सी हमको मतलूबा मुसलिस हासिल हुआ है, जिसका कायदा 5 समर है और ज़ाविया बी 60 दर्जे हैं और ए बी प्लस ए सी दोनों का मजमा 8 सेंटीमीटर है।